नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च बक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तम नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधव माधव आवीशौ सर्व सिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। अम्भोधिस्थलताम स्थलम जलधिताम धूलिलवशैलताम मेरुर्मृतकणताम तृणम कुलिशताम वज्रम तृणप्रायताम वन्यशीतलताम हिमं दहनताम आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहांधतमोपहाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रमीशं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु नंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शंकरम लोक शंकरम, शंकरम शंकराचार्यम, केशवम बादरायणम, सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराजष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण कर्म करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। कार्पण्य दोषो पातः स्वभाव, पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढ़चेता, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, कृपणता रूपी दोष के कारण, अज्ञान जनित मोह और करुणा के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूं। मेरा श्रेय माने नित्य सुख शांति की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, हे प्रभु उस उपाय को मैं नहीं जानता। इसलिए मेरे परम कल्याण का, परम सुख शांति की प्राप्ति का उपाय आप बताएं। मैं शोक सागर में डूब रहा हूं, आपकी शरण में आया हूं, आपका शिष्य हूं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है, मेरे परम कल्याण का उपाय आप बताएं। और मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना
इस लोक के राज्य भोग की इच्छा है, न परलोक स्वर्ग लोक के सुख की भोग की इच्छा है। नहीं प्रपश्यामि मम आपनुद्यात, यच्छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसुपत्न मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। हे प्रभु, अखंड भूमंडल का निष्कंटक शत्रु विहीन राज्य मिलने से और स्वर्ग का भी आधिपत्य इंद्र पद मिलने से और ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होने से मैं इनमें ऐसा हुआ उपाय नहीं देखता हूं जिससे मेरे शोक में और दुख शोक अग्नि में मेरे देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण जल रहे हों, इससे बचा ले वे, मृत्यु से मुझे छुड़ा ले वे, ऐसा उपाय मैं इन लोगों की प्राप्ति और इनके सुख से नहीं देखता, इसलिए मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आप मेरे परम कल्याण का उपदेश करो, उस और कोई इच्छा मेरी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन युद्ध का निश्चय करके आए हो, युद्धारंभ के बाजे बज चुके हैं, अस्त्र शस्त्र ये विपक्षी शत्रुगण डालने वाले, शस्त्र संपात होने वाला है, तो तुम युद्ध करोगे कि उपदेश सुनोगे? अर्जुन का उत्तर सुनो, नयोत्सेति गोविंदम उक्ता तूषणीम बभू। हे गोविंद, हे केशव, हे कृष्ण, नयोत्से इति गोविंदम उक्ता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे गोविंद भगवान श्री कृष्ण से कह करके तूषणीम बभू चुप हो गया। भगवान ने देखा कि अर्जुन परम अधिकारी है, अर्जुन का हृदय अत्यंत निर्मल है, भक्ति भाव से परिपूर्ण उसका मन है, विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता चतुष्टय साधन संपन्न है, परम वैराग्यवान है, त्रिलोकी का राज्य तुच्छ समझता है, अपित्रैलोक के राज्य से हेतु किन्नुमही कृते। उस तत्व ज्ञान का अधिकारी, ब्रह्म तत्व ज्ञान का, आत्मा अनात्मा के ज्ञान का अधिकारी ऐसा ही होता है। अब मुझे उचित है किसको ज्ञान का उपदेश करूं, क्योंकि ये बताता है कि अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हुआ है, तो अज्ञान के नाश का उपाय तो एकमात्र ज्ञान ही है और कोई नहीं है। यही अज्ञान और मोह के, मोह रूपी ग्राह के गले को काटने के लिए सुदर्शन चक्र है। जैसे गजेंद्र को के ग्राह ने पकड़ा था, मगर ने पकड़ा था और प्राण ले रहा था, भगवान को पुकारा, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के क्षण मात्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से ग्राह के गले को काट करके और गजेंद्र को छुड़ा लिया, बचा लिया। ऐसे ही
ये संसार रूपी सरोवर में मोह रूपी ग्राह रहता है, और जो संसार का विषय सुख लेने के लिए आता है ये संसार सरोवर में, उसको मोह रूपी ग्राह पकड़ लेता, उसका गला दबाता है। तो सज्जनों यही जीवों का हाल है, ये संसार एक सरोवर है, और विषय सुख भोगने के लिए जीव इस संसार में उतरता है, और फिर ये विषय स्त्री पुत्र धन ये मोह में फंसा करके इसको पकड़ लेते हैं। ये मोह ग्राह है, मगर है। तो भगवान ने देखा कि ये मोह ने इसको अर्जुन को पकड़ा है, ये अहमता ममता देह में अहमता, और देह के संबंधियों में भीष्म द्रोण और बंधु बांधवों में ममता, ये मोह है। सज्जनों ये संसार के विषय भोग के लिए जो आता है उसको ये मोह रूपी मगर उस जीव को पकड़ लेता है। अब दूसरा उपाय कोई संसार में है नहीं, इस मोह रूपी मगर से छुड़ाने का एकमात्र भगवान की शरण है। जैसे गजेंद्र को कोई सहायक न मिले, सब कोई सहायता न दिया, बंधु बांधव पत्नी पुत्र परिवार सब हार गए, कोई न बचा सके, भगवान निर्बल हुए, बलराम पुकारे। दूसरा कोई साधन नहीं है भगवान की शरण के बिना, इस मोह से छुड़ाना, और मोह एक जन्म में नहीं हजारों जन्म मारता ही रहता है, संसार में डुबाता ही रहता है, क्योंकि ये मोह रूपी मगर ये संसार सरोवर में हमेशा निवास करता है। जो जीव आता है इस विषय सुख भोगने के लिए, विषय रूपी जल पीने के लिए, उसको पकड़ लेता है, बस अहमता ममता से जकड़ देता है, छूटने नहीं पाता। एकमात्र भगवान ही शरण है, वही रक्षा करते हैं। अर्जुन ने भगवान की शरण लिया, मोह ने पकड़ा, अर्जुन रुदन कर रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, और भगवान की शरण लिया है कि प्रभु मुझे बचाओ, मुझे मृत्यु से बचाओ, ये मोह रूपी मगर मुझे ना मारे। तो भगवान ने देखा सिवाय ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र के और दूसरा कोई उपाय नहीं है मोह के मारने के लिए। ज्ञान क्या है? बहुत सुंदर सुखदायक, और चक्र है माने अज्ञान के, मोह का मूल अज्ञान है, उसका गला काटने के लिए ये ज्ञान चक्र के समान है और सुखदायक है, जीव को सुखी बना देता है तुरंत। मोह का गला कटा और जीव सुखी हुआ, बिल्कुल मुक्त हो गया, बस और कोई बंधन नहीं है जीव को, जन्म मरण का एक मोह ही है, सारे दुखों की खान मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है बहुसूला। तो भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम सावधान मन से सुनो, इस अज्ञान के नाश के लिए मैं तुझे ज्ञान का उपदेश देता हूं। देख संसार में एक क्षर और दूसरा अक्षर और तीसरा पुरुषोत्तम, तीन पुरुष हैं, द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च। क्षर कौन है, अक्षर कौन है? कहा क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। अर्जुन क्षण क्षण में जिनका विनाश हो रहा है, ऐसा ये पंचभूत रचित जो प्रकृति का महामाया का कार्य है, क्षण क्षण में विनाश हो रहा है, इसको क्षर कहते हैं।
पंचमहाभूत, पंचमहाभूत रचित स्थूल सूक्ष्म ये सब शरीर क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, ये क्षर पुरुष है। और अक्षर बोले क्षर का कारण, पंच महाभूत और चराचर जगत का कारण अक्षर है। अक्षर क्या है? कहा प्रकृति है। प्रकृति के संबंध से, प्रकृति उपाधि से ही ब्रह्म ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। और स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य की उपाधि से ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त होता है। इसलिए क्षर और अक्षर कहने से जीव और ईश्वर भी आ गए इन्हीं में, अक्षर से प्रकृति से। माने ईश्वर प्रकृति की उपाधि, प्रकृति उपाधि है ब्रह्म की, वो ईश्वर कहलाता है, सर्वज्ञ है, वो जगत की उत्पत्ति पालन संहार का कार्य करता है। जो ब्रह्म का उसमें आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है प्रकृति में, चराचर जगत की उससे उत्पत्ति होती है। और जो उत्पत्ति होती है स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसमें भी भगवान चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, उसकी जीव संज्ञा होती है, वो अल्पज्ञ होता है, अल्प शक्तिमान होता है। और ये ईश्वर की माया मोह में फंस जाता है, इसको अज्ञान होता है, ईश्वर को कभी अज्ञानता नहीं आती, सदा सर्वज्ञ ही रहता है। और जीव अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतुवः, जीव को अज्ञान आवरण करता है, जीव के ज्ञान को, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ अपने स्वरूप ज्ञान का आवरण करता है, ढांकता है, ज्ञान नहीं होने देता। और ईश्वर को ये अज्ञान आवरण नहीं करता है, सदा सर्वज्ञ अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता रहता है, माया को जानता है, अपने प्रतिबिंब भाव ईश्वर भाव को जानता है, जीव को जानता है, कार्य को जानता है, चिदाभास को जानता है। इस प्रकार से ईश्वर की सर्वज्ञता रहती। तो सज्जनों, कार्य और कारण रूप प्रकृति है, और कार्य और कारण उपाधि से इन्हीं में जीव और ईश्वर भी आ गए। कार्योपाधि रयम जीवा और कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारण ताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यति। कार्य और कारण उपाधियों को छोड़ देने से शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही शेष रहता है, अनंत अखंड बोध ज्ञान ही शेष रह जाता है। पुरुषोत्तम का वर्णन करेंगे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो हे अर्जुन, क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षरोच्यते, यहाँ कूटस्थ का अर्थ प्रकृति लेना। यद्यपि कूटस्थ का अर्थ जगह जगह पर वेदांत शास्त्रों में निर्विकार ब्रह्म के संबंध में ही है, जो निर्विकार ब्रह्म है वही बुद्धि अवच्छिन्न चेतन कूटस्थ है, माने ज्यों का त्यों निर्विकार है, देह बुद्धि आदि का कोई विकार इसको स्पर्श नहीं किया, इसलिए ब्रह्म कूटस्थ रूप ही है, निर्विकार रूप ही है, बुद्धि का साक्षी, बुद्धि में इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। साभास बुद्धे कर्तृत्व, साभास बुद्धि में ही कर्तृत्व है। तो जो पुरुषोत्तम तत्व है, ये जीव और ईश्वर, क्षर और अक्षर पुरुष से परे ही है, ये भी दोनों पुरुष हैं, जीव और ईश्वर, कार्य कारण रूप प्रकृति। परंतु सज्जनों, इन दोनों से परे पुरुषोत्तम है।
तो क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थोपचार उच्चते। यहाँ कूटस्थ का अर्थ, जैसे कूटस्थ निर्विकार होता है, तो यहाँ कूटस्थ का अर्थ क्या किया जाए प्रकृति के संबंध में। कूट का अर्थ एक कपट भी होता है, छल होता है, छद्म होता है, कुहक होता है, अज्ञान अंधकार होता है, जो कपट रूप से स्थित हो, छल रूप से स्थित हो, अज्ञान अंधकार रूप से स्थित हो, क्योंकि अज्ञान रूपा है ये प्रकृति, जीव के ज्ञान को ढकती और का और दिखाती है, यही तो कपट है, यही तो माया है। जीव का स्वरूप कुछ है और दिखाती कुछ है, देह इंद्रिय मन बुद्धि में हमता ममता कराती है। इसलिए इस यहाँ कूटस्थ का अर्थ कूट रूप कपट रूप से जो स्थित है, अज्ञान अंधकार के रूप से जो स्थित है, जीवों को छल लेती है, मोहित करती है। इस अर्थ में यहाँ कूटस्थ का अर्थ करना कूटस्थोपचर। तो उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मे त्युदाहृतः, अर्जुन जो उत्तम पुरुष है इन दोनों से परे है, क्षर और अक्षर दोनों से परे है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जीव ईश्वर से परे, जीव ईश्वर तो कार्य कारण रूप उपाधि से ही है ना, उपाधि बिना तो जीव ईश्वर पना है नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही है। तो ये जीव पुरुष, ईश्वर पुरुष, क्षर और अक्षर पुरुष से ये पुरुष ब्रह्म पुरुष उत्तम है, माने सबसे ऊपर। ये विद्या विद्या कार्य कारण रूप प्रकृति का बिल्कुल स्पर्श ही नहीं होता, कोई संबंध ही नहीं होता। उत्तम पुरुषत्वन्य, उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य ही है, भिन्न ही है। ये तो सब माया राज्य में ही है, ईश्वर जीव जगत इतना ये सब माया राज्य का काम है। और ये पुरुषोत्तम, ये परमात्मा कहा, ईश्वर जीव जगत का आधार अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ईश्वर जीव जगत का खेल हो रहा है, ईश्वर जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करता है, और जीव मोहाशक्त होकर के कर्मों का कर्ता और फलों का भोगता और जन्म मरण का धर्ता बनता है। ये सारा खेल पुरुषोत्तम के आधार अधिष्ठान पने में हो रहा है। अब पुरुषोत्तम को स्पर्श नहीं होता है कार्य कारण रूप माया का, न जीव ईश्वर का, ये तो साक्षी मात्र रहता है, इसके ऊपर सब खेल होता है, तो कोई संबंध नहीं होता। जैसे आकाश के ऊपर वायु का खेल, वायु चलता है, घूमता है, आंधी तूफान सब, अग्नि का खेल, अग्नि का जलना बुझना, सारा अग्नि का व्यवहार आकाश के भीतर ही ऊपर हो रहा है, परंतु आकाश से कोई संबंध नहीं होता है। जल का खेल सब आकाश में ही हो रहा है, आकाश में मेघों का आना, जल का बरसना, सब खेल मेघों का आकाश में ही हो रहा है, परंतु आकाश से कोई संबंध नहीं होता है। पृथ्वी का खेल, पृथ्वी के नाना प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, आदिकों का जन्म और खेल, ये सब आकाश में हो रहा है। अस्त्र शस्त्रों का, पृथ्वी के कार्य का चलना, सब आकाश में हो रहा है, पर आकाश से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए
न तो पृथ्वी के अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव आकाश के ऊपर पड़ता है, न जल के बरसात का कोई प्रभाव पड़ता है कि आकाश गीला हो जाए, न अग्नि का कोई प्रभाव पड़ता है जिससे आकाश जले, अग्नि जला सके, न वायु का कोई प्रभाव है, क्यों स्पष्ट संबंध तो होता नहीं जो वायु सुखा सके या हिला डुला सके आकाश को। आकाश तो सदा अचल है, वायु चलता आकाश में और आकाश अचल है, और वायु आकाश का अंत भी नहीं पाता है। वायु चलता चलता आकाश में ही वायु का अंत हो जाएगा, परंतु आकाश का अंत नहीं पाएगा, वायु से आकाश का कोई संबंध नहीं होगा। तो वायु के लिए आकाश अनंत है, अग्नि के लिए, जल के लिए अनंत, आकाश बहुत व्यापक और सूक्ष्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुरुषोत्तम जो मैं स्वयं हूं, ये आकाश से अनंत गुना महान और व्यापक और सूक्ष्म हूं। आकाश से अति सूक्ष्म और आकाश से अनंत गुना महान, भला मुझ तक ये कारण रूप प्रकृति कहां पहुंच सकती है, मुझको कहां स्पर्श कर सकती है। हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। जब प्रकृति के कार्य आकाश को ही, ये अग्नि जल पृथ्वी आदि और वायु आदि कुछ नहीं कर सकते, तो आकाश से भी महान और आकाश का भी कारण, आकाश की तो उत्पत्ति होती है, तो जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश भी होगा, तो मेरी तो उत्पत्ति नहीं होती है। तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूतः, आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्ने आपा, अद्व्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो, अन्नम अन्नात रेता, रेत स पुरुष सवाय पुरुषो नरसमय। तो आत्मा से परमात्मा से, अर्जुन, परमात्मा और आत्मा एक तत्व है, दो नहीं है। वही सत प्रकृति और प्रकृति के कार्य के भीतर प्रविष्ट होकर के सत्य आत्मा कहलाता है। और बाहर परिपूर्ण हुआ परमात्मा कहलाता है। तो तत्व तो एक ही है, वही आकाश से संसार भर के घटमट के भीतर प्रविष्ट होकर के घटाकाश मठाकाश कहलाता है, और बाहर परिपूर्ण हुआ महाकाश कहलाता है। आकाश में कोई फर्क नहीं आया, उपाधियों के भीतर नाम मात्र का घटाकाश और महाकाश नाम पड़ा है। ऐसे ही परमात्मा नाम मात्र का आत्मा नाम पड़ा है, सब शरीरों के भीतर सबकी आत्मा कहलाता है, पर स्वयं परमात्मा है, सबकी आत्मा सबके आत्म रूप से, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मे त्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्जुन, जिससे कि मैं क्षर और अक्षर, मने जीव और ईश्वर, प्रकृति और प्रकृति के कार्य उपाधियों से सर्वथा परे हूं, इनसे कोई संबंध नहीं होता,
मैं आकाश के समान ही निर्विकार निर्लेप रहता हूँ। मुच्छिदाकाश में इस माया रूपी मेघ की बरसात होती है, परंतु मुच्छिदाकाश को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए ज्यों का त्यों रहता हूं। लोक और वेद में मुझे इसीलिए पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। जिस आकाश में मेघ आते हैं, वर्षा करते हैं, लीन भी हो जाते हैं, आकाश से कोई संबंध नहीं हुआ, ऐसे ही मुच्छिदाकाश में ये माया रूपी मेघ आता है। माया उपाधि से मेरा आभास ही ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। वह ईश्वर, वह माया रूपी मेघ जगत रूपी जल की वर्षा करता है, तो मैं आकाश के समान हूँ, महान हूँ। मुच्छिद आकाश में माया रूपी मेघ आया और बस ईश्वर जीव जगत की बरसात कर दिया, तो मेरे से कोई संबंध हुआ नहीं। इसलिए इस माया रूपी मेघ की जगत रूपी वर्षा से मेरी न कोई कुछ हानि है और न मेरी कोई लाभ है। माया मेघो जगन्नीरम बरसत त्वेष यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानि न वा लाभ इति स्थिति। हे अर्जुन, माया रूपी मेघ जागर स्वप्न जगत की बरसात जैसे कैसे भी करती रहे, पर मुच्छिदाकाश की ना तो कुछ हानि है और न ही कुछ लाभ है। ज्ञान रूप हूँ, साक्षी रूप हूँ, दृष्टा रूप हूँ, इसलिए माया के खेल को अपने आचिदाकाश में मैं देखता हूँ, क्योंकि माया तो अज्ञान रूपा है, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए इसका माया का प्रकाशक मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू तो मेरी आत्मा, मेरा ही स्वरूप है, इसलिए तू मुझसे अभिन्न है, मुझसे तू भिन्न नहीं है। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो एक पुरुषोत्तम ही है, और सभी जीव और ईश्वर और माया जगत का आधार अधिष्ठान रूप बुद्धि का साक्षी रूप सबकी मैं ही तो हूँ। इसीलिए सब जीव और ईश्वर का जो साक्षी तत्व है वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तो है। तो ईश्वर का भी वास्तविक स्वरूप मैं ब्रह्म हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण नाम ब्रह्म का है, कृष्ण भूवाच का शब्द अर्णश्च निर्वृति वाचक तयो रैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यविधीयते। कृष्ण नाम सत का है और अर्णा नाम आनंद का है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ क्या? कहा सच्चिदानंद ब्रह्म। तो ब्रह्म में ये ईश्वर जीव जगत सब अध्यस्त हैं, रस्सी में सर्प के समान है, जिसे रस्सी में सर्प केवल प्रतीति मात्र है नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसी माया और माया का कार्य ईश्वर जीव जगत ये सब आत्मा रूपी अधिष्ठान में केवल प्रतीति मात्र है। अर्जुन, है नहीं, बिल्कुल असत है, मिथ्या है, दिखाई पड़ रहा है, इसलिए दृढ़ निश्चय कर ले कि ईश्वर जीव जगत का अपने आत्मा रूपी अधिष्ठान में बाध है, माने त्रिकाला भाव निश्चय कर, तीनों काल में है ही नहीं,
न कभी हुआ है, न हो सकता है, न आगे होगा, ना भी है। ऐसे तीनों काल में अभाव निश्चय को बाध कहते हैं, जैसे रस्सी में सर्फ का बाध है। क्यों? रस्सी में सर्फ तीनों काल में न हुआ है, न है, न हो सकता है। रस्सी तो रस्सी ही है, रस्सी में सर्फ कहां से होगा? है ही नहीं, तीनों काल में रस्सी रस्सी ही है। ऐसे ही भगवान कहते हैं रज्जु स्थानी, हमारा तुम्हारा आत्म तत्व है। ये संसार सर्फ ये तीनों काल में हुआ नहीं है। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। हमारा तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप सदा एक रस है तीनों काल में, और ये संसार सर्फ तीनों काल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। या दृढ़ निश्चय कर, ये देह इंद्री मन बुद्धि प्राण ये सब माया के कार्य, इन्हीं में हमता ममता करके मोह करके जीव दुख पाता है। सो हे अर्जुन, अहमता का विषय अपना शरीर नहीं है, ममता का विषय शरीर के संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये तो माया के कार्य हैं। माया की ये बरसात है, स्थूल सूक्ष्म सब शरीर, फिर बरसात निद्रा आती है, बरसात खत्म, रोज का यही हाल है। अब इनसे तुम नाता रिश्ता ममता मोह करके दुखी होते हो, इसलिए इस अध्यास का, इस भ्रम का त्याग करो। कहां ज्ञान है? भला ज्ञान कहीं ज्ञान का नाश कर सकता है? पुरुष का कहीं छाया नाश कर सकती है? पुरुष ज्ञान रूप है, छाया ज्ञान रूप है। अर्जुन, ये जो कुछ भी दिखता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर तीनों अवस्थाएं, ये सब माया है, ये सब अज्ञान है। हमारे तुम्हारे ज्ञान स्वरूप का ये क्या नाश कर सकती? ज्ञान के द्वारा ही इस अज्ञान की सिद्धि है। ज्ञान स्वयं सिद्ध है, अज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं है। अज्ञान की सिद्धि ज्ञान द्वारा ही होती, छाया की सिद्धि पुरुष द्वारा ही होती है। पुरुष सत्य वस्तु है, छाया प्रतीति मात्र है, माने छाया कोई वस्तु नहीं है, तत्व नहीं है, खाली प्रतीति दिखाई पड़ने वाली चीज है, कदाचित है कदाचित नहीं है, कभी है कभी नहीं। ऐसी झूठी चीज का नाम छाया है। अर्जुन, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तू अपनी छाया ही जान। भला अपनी छाया से पुरुष को क्या भय है? अरे अपनी छाया का विनोद मात्र देख सकता है, जैसे हम अपने मुख को दर्पण में देख लेते हैं तो प्रसन्न नहीं होते हैं। अरे अपने मुख की ही छाया है दर्पण में, तो उस छाया से अपने को क्या भय है? अरे हम ही दृष्टा है उस छाया के, दर्पण में जो मुख दिखाई पड़ता है वो हमारे सत्य मुख का प्रतिबिंब छाया है, उसको तो ज्ञान नहीं है ना, हम ही देखते हैं तो, पर उससे कोई भय नहीं होता है। हाँ बालक भय भी करता है, अज्ञानी भय भी करता है, अपनी छाया को दूसरा समझ लेता है तो भयभीत होता है, परंतु ज्ञानी तो अपने मुख को सत्य जानता है और दर्पण में दिखाई पड़ने वाली मुख को अपनी छाया जानता है, उससे भयभीत नहीं होता है। इसलिए अर्जुन, ये सब अपनी छाया जान, इनसे क्या तुझको भय है? सारा संसार अपनी छाया ही है।
हम ज्ञान पुरुष हैं, छाया कोई वस्तु नहीं है, माने है ही नहीं, दिखाई पड़ गई तो क्या हुआ, दृष्टा का क्या बना और क्या बिगड़ा, यदि न दिखाई पड़ी तो। ये जागृत स्वप्न में स्त्री पुत्र मित्र दिखाई पड़ते हैं और निद्रा में नहीं दिखाई पड़ते, तो अर्जुन हमारे तुम्हारे दृष्टा का क्या बनता बिगड़ता है। अरे स्त्री पुत्र धन ये जागृत अवस्था में दिखाई पड़ भी गए तो हमारा इनसे क्या बनता है, हम तो स्वयं सच्चिदानंद सिंधु हैं। इस ये माया तो असत जड़ दुख रूप है, झूठी चीज है, और निद्रा में ये सब जिनसे नाता रिश्ता तुमने जोड़ रखा है ये कोई निद्रा में नहीं रहते, तो हमको तुमको क्या कष्ट होता है, क्या दुख होता है, और अपना आत्मानंद का अनुभव होता है। जहां कोई नहीं है तहां अपने आत्मा का ही आनंद है, स्वरूपानंद है, आनंदमयो ही आनंद भू, तो अपना स्वरूप ही आनंद है, दूसरे से क्या आनंद लेना, तो इस संसार से हमारा क्या लाभ हो। बन गया जागृत स्वप्न को देख लिया और सुसुप्ति में ना रहा तो कोई हमारी हानि नहीं, और बन गया तो देख लिया तो कोई हमारा लाभ नहीं, हम अपने ही लाभ से पूर्ण है, और संसार के पास सुख है भी नहीं जिससे कुछ सुख के लाभ की इच्छा की जाए, आशा की जाए। ये तो छाया से क्या सुख की आशा है, पुरुष सुख रूप है। इस प्रकार से हे अर्जुन, इच्छा रक्षर प्रकृति, जड़ चेतन, ये दोनों प्रकृति है, जीव और ईश्वर चेतन है, और क्षर अक्षर ये प्रकृति कार्य कारण रूप प्रकृति ये जड़ है, पर दोनों ही प्रकृति हैं। क्यों, एक प्रतिबिंब रूप, वो भी पृथ्वी भी मिथ्या, और जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है वो अत्यंत जड़ क्षर अक्षर। हमारा पुरुषोत्तम स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ आधार अधिष्ठान है, सो इसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, प्रकृति का खेल होता रहता है, और फिर ये अपने आप ही होता है, ना तो इसको कोई उत्पन्न करता है और ना कोई मिटाता है, हम तो दृष्टा साक्षी मात्र हैं, उत्पन्न नहीं करते न प्रकृति को, न प्रकृति के कार्य को, न जीव ईश्वर को, कुछ नहीं, दृष्टा होने से देख लेते हैं, फिर ये अपने आप ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति होते रहते हैं, अपने आप निद्रा आ जाती है, अपने आप स्वप्न हो जाता है, अपने आप जागृत जगत होता है, अपने आप ही दिन होता है, अपने आप ही रात होती है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, देवस्य इस स्वभावयम् आप्त कामस्य काश प्रिया। अर्जुन पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम को भला क्या इच्छा हो सकती है, और जो पूर्ण काम हो उसको इस प्रिया माने इच्छा कहाँ हो सकती है। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है, इच्छा तो अपूर्ण को हुआ करती है, तो हमारा स्वरूप तो स्वभाव से ही पूर्ण है, सत्य से ज्ञान से आनंद से, क्या इच्छा होगी। तो फिर कहा ये जो कुछ हो रहा है सो अपने आप हो रहा है, स्वभाव नाम स्वयं भवति इति स्वभावा, जो स्वयं होए उसको स्वभाव कहते। तो सज्जनों अपने आप दिन होता है, रात होती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती है, मास वर्ष युग कल्प होते हैं, सब अपने आप हो रहा है, इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। कुछ है नहीं दिखाई पड़ती, परंतु अर्जुन मेरे बताने से जान ले कि ये माया है, माने झूठी चीज है, इसको सत्य मत मान बैठ।
तू ही सत्य है, हमारा तुम्हारा दृष्टा स्वरूप ही सत्य है जो सदा रहता है। माया आती जाती, संतो आओ जाए सो माया, इसलिए माया को अपनी छाया रूप जान। और छाया भी पुरुष से जुदा होकर रह नहीं सकती, पुरुष में ही लीन हो जाती है, फिर भी पुरुष से कोई संबंध नहीं। आकाश में मेघ लीन हो गए, फिर भी आकाश से कोई संबंध नहीं। ऐसे पुरुष में ही ये छाया माया लीन हो जाती है, फिर भी पुरुष से कोई संबंध नहीं, कोई निर्विकार। अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होती है, ये माया अध्यास रूप है, ब्रह्म रूप है, सो अधिष्ठान ब्रह्म में निवृत्त हो जाती है। हमारा तुम्हारा स्वरूप अधिष्ठान है अर्जुन, सदा एक रस रहता है। माया की निवृत्ति अधिष्ठान शेष रहा, ब्रह्म ही शेष अंत में रह जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।